हेलो गाइस, तो आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पे टोटल कर्ज कितना है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके ऊपर कर्ज हो या फिर कोई डेब्ट हो। तो जो अपनी कंट्री को ठीक से चलाने के लिए सभी कंट्रीज कुछ ना कुछ लोन्स लेती है जिससे वह अपने कंट्री में फाइनेंशियल फ्लो रख सके। तो ये एक्चुअली दो टाइप में रहते हैं, इंटरनल लोन्स या फिर डेप्थ या फिर एक्सटर्नल लोन्स या फिर डेप्थ। तो हमने एक हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था डेफिसिट का अर्थ क्या है। तो डेफिसिट एक एक्चुअली जो हमारी गवर्नमेंट जो खर्च करती है और जो गवर्नमेंट को रिटर्न में टैक्स और बाकी सोर्सेस थ्रू पैसा आता है तो उसमें कुछ डिफरेंस रहता है। मतलब गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करती है बट उसको उतना रिटर्न मिलता नहीं है तो वो उसको डेफिसिट कहा जाता है। तो अगर हमारे हमारी इंडिया की बात करें तो हमारा जो डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर साल अपने बजट में एक डेफिसिट बजट प्रेजेंट करती है। एक्चुअली दो टाइप के पब्लिक डेब्ट्स होते हैं, एक है इंटरनल डेब्ट्स जो कि कंट्री के अंदर से ही लिया जाता है, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा के ज़रिए, और दूसरा है आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो कि दूसरी कंट्रीज़ है और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी है जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, तो इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि लोन दो टाइप के होते हैं, उसमें पहला होता है इंटरनल लोन। द लोन विच इज़ टेकन विद इन द कंट्री इट सेल्फ इज कॉल्ड एज इंटरनल लोन। जो लोन कंट्री के अंदर से ही लिया जाता है वो इंटरनल लोन कहलाते हैं। अब ये कौन देता है लोन? दिस लोन इज़ टेकन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज और भी तरह तरह की कंपनीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यह लोन देती है। और जो लोन बाहर से लिया जाता है आउटसाइड ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेब्ट। दिस लोन इज़ टेकन फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़ जो कि जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ है उनसे लिया जा सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है और NRIs है जो कि ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्हें एक्सटर्नल डेब्ट या फिर एक्सटर्नल लोन कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2018-19 एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें बताया गया था कि जो टोटल पब्लिक डेब्ट है जो इंक्रीज़ हो चुका है 68.6% ऑफ द GDP बाय मार्च 2019 तक, मतलब जो कि 13 ट्रिलियन डॉलर्स है जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। इसे हम अगर फॉर्मुलेट करें तो डेब्ट टू GDP इसका फॉर्मूला होगा टोटल GDP ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ द कंट्री। तो इस फॉर्मूले से हम जो GDP पे जो डेप्थ है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया का एक्सटर्नल डेप्थ वाज अबाउट 85 बिलियन डॉलर्स था इन 1991 जो कि इंक्रीज होके US$446 बिलियन हो गया था 2014 में, एंड 564 बिलियन है GDP का जो कि दिसंबर 2019 तक है। तो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में जो टोटल डेब्ट है वो 118 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो चुका है जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है। तो अगर हम इंटरनल डेब्ट की बात करें तो ये इतना भी रिस्की नहीं है जितना कि हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट्स है जो हमें कंपलसरी या फिर कुछ पीरियड के अंदर पे ही करना ही पड़ता है। तो जैसे कि इंटरनल डेप्थ में रिस्क कम होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपना 80% ऑफ द टोटल डेप्थ है वो कंट्री के अंदर से लेती है विद द हेल्प ऑफ रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स जो कि करीब करीब 94% ऑफ द टोटल डेप्थ इंटरनली ही लेती है। तो इससे जो हमारा इंटरनल डेप्थ है उससे हाई रिस्क बहुत कम हो जाती है
और इसमें कुछ ड्यूरेशन का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना कि हमें एक्सटर्नल डेब्ट्स में होता है। तो हमारे लिए जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है वो है कमर्शियल बैंक्स, जो कि 40% ऑफ द टोटल इंटरनल डेब्ट है, उसमें से और 24% बाय इंश्योरेंस कंपनी हमें लोन देती है, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देती है, एंड 15% बाय RBI। तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के हिसाब से जो भी कंट्री एक्सटर्नल डेब्ट जिनका 77% ऑफ उनका GDP उससे ज़्यादा होगा तो उनको भविष्य में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है और उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो हो सकती है। अगर ये एक्सटर्नल डेब्ट 1% भी इंक्रीज़ हुआ तो GDP का 77% से ज़्यादा हो गया मतलब, तो उसका जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.7% तक रिड्यूस हो सकता है। तो जापान की अगर बात करें तो यह कंट्री सबसे ज़्यादा डेब्ट या फिर कर्ज लेने वाली कंट्री में से एक है। तो इसने करीब करीब 236% ऑफ इट्स GDP, उनकी GDP का 238% तक लोन ये ले चुके हैं। इसके बाद US ने जो कि 106% उनकी GDP का है, और ब्राज़ील जो जिसने 68.5% उनकी GDP तक का लोन ले चुका है। उसके बाद फिर इंडिया का रैंक आता है जो कि 66.8% है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।